अमेरिका ने महकमे से सिंध को टीबी की तशखीस के लिए 5 मोबाइल वैंस और 3 डिजिटल एक्सरे मशीनें अतिया की हैं। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि कमज़ोर तबकात की जिंदगी बचाने वाली खदमात में अमेरिकी अतियात मददगार साबित होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मासूम अली। टीबी की तशखीस और इलाज की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए अमरीका ने सिंध हुकूमत को $70 लाख मालियत की अतियात पेश कर दिए। कतर हॉस्पिटल में तकरीब में अमरीकी सफीर ने 5 मोबाइल टीबी वैंस और 3 डिजिटल एक्सरे मशीनें वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो के हवाले किए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने टीबी के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मजीद तिब्बी आलात मुहैया करेंगे। पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए अमरीकी सफीर का कहना था पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। पोलियो इज अ ह्यूज चैलेंज एंड अनदर एरिया वेयर वी वर्क वेरी क्लोजली विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन diagnosing, finding, vaccinating every aspect of that. वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका शोबा सेहत की बेहतरी के लिए सरगर्म हैं। Between the people of the US and the people of Pakistan, this never-ending relationship has long been established and will continue to flourish. अमेरिका की जानिब से अतिया किए जाने वाली गाड़ियां और तिब्बी आलात टीबी जैसी खतरनाक बीमारी की शनाख्त में मददगार होंगी। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ मासूम अली, पब्लिक न्यूज़ कराची।